अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर आप लोगों के लिए एक नया डिज़ाइन लेके आया हूँ, बहुत ही आसान है, तो शुरू करते हैं। चलें, सबसे पहले आपने करना क्या है, पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन ये प्ले स्टोर में आप लोगों को मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना। तो इसको ओपन करने के बाद आपने अगर पहले से कोई काम किया हुआ है तो उसको कैंसिल कर दें और उसके बाद इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, ये शेप्स वाला बटन है, ये शेप ले लें दायरे की और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। और उसके बाद ये ग्रिड वाला बटन यहाँ से ऑन कर दें और ये यू वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी दबा दें। उसके बाद इसको यहाँ पे सेट कर लें और इसका कलर आप लोगों ने रख देना है काला। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दिया करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको फौरन पता चल जाए। आगे शुरू करते हैं। उसके बाद इसकी कॉपी ले लेना, कॉपी लेने का शेप के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने शेप ले लेनी है और ये शेप लेने के बाद नीचे आ जाना है। ये जो ओपेसिटी है इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे काम करके ज़ीरो कर दें। फिर नीचे आके जो स्ट्रोक है इसको बढ़ा के आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से 8 पे रख लें। उसके बाद आपने करना क्या है, इसको फिलहाल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे इसके कॉपी ले लेते हैं, उसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे। और फिर इसके बाद सिर्फ ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को ताला लगा के ऊपर वाले दो फिर आके इसको मर्ज कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, इसकी एक और कॉपी ले लेंगे, ये जो हमने फ्रेम मर्ज किया इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम ऐसे घुमा देंगे इस तरह। इस तरह रख देंगे और इसकी एक कॉपी लेके यहाँ से इसका कलर हम सफ़ेद रख देंगे। और इसको हम इधर फुल बड़ा करके इसको यहाँ पे हम सेट करेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप लोगों ने कर देना है। इतना काम करने के बाद इन सबको ताला लगा दें, फ़िलहाल लॉक कर दें ताकि ये हिल ना सकें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो बटन है टेक्स्ट वाला, इसको दबा के पजामा वाला बटन दबा के यहाँ पे कुछ सितारे हैं ये मैं लेके आता हूँ। ये वाला सितारा मेरे पास आ चुका है और इसको मैं रिलेटिव पोजीशन वाले बटन के साथ जल्दी से सेट कर देता हूँ और फिर ये दूसरा पोजीशन वाले बटन के साथ आराम आराम से नीचे ले आऊँगा और यहाँ पर सेट कर लूँगा। इसी तरह मैं बाकी सितारे भी सेट कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। तो इस तरह ये मैंने एक स्पेशल कीबोर्ड के ज़रिए ये सितारे सेट कर लिए हैं। आप लोग भी ये कीबोर्ड डाउनलोड करके इसकी सेटिंग मैंने नीचे वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से देख के सेट कर सकते हैं। उसके बाद इन सबको ताला लगा दें ताकि ये भी ना हिल सके। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, अपना नाम लिख लें यहाँ पर, मेरा अपना नाम लिख देता हूँ उसामा। नाम लिखने के बाद आप लोगों ने इसका रंग यहाँ से ब्लैक ही रखना है और इसको यहाँ पे सेट कर लें और इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो टेढ़ा भी कर लें। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे फ़ॉन्ट है जो मैं फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका नाम मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, KRINKES क्राइंक्स, इस फ़ॉन्ट का नाम है क्राइंक्स, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप पिक्सल लैब में ऐड करने का तरीका भी मैं नीचे आप लोगों को दे दूँगा। और अगर आप लोगों को ये फ़ोन नहीं मिल रहा तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक है, उसके ज़रिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ये ले सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने इस तरह यहाँ पे सेट कर लेना है और इसको यहाँ पे रख देना है, इसको दरमियान में रख देते हैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके। इस तरह मैंने ये नाम सेट कर लिया। आप कोई और फ़ॉन्ट उर्दू में लिखना चाहें, नाम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने इन सबको ताला लगा के मर्ज कर दें।
अभी अभी मर्ज हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने ये पीछे चला गया तो अब ठीक हो गया, इस तरह मर्ज हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने करना कि यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा इरेज कलर वाला, इसको आप लोगों ने दबा देना और ओके कर देना और ऊपर से फुल कर दें। और उसके बाद इसके ग्रिड को दोबारा ऑन कर दें और ग्रिड की आप लोगों ने कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसके ऊपर रख दें और इन सबको ताला लगा दें। जब ये मिल जाएंगे दोनों, उसके बाद आप लोगों ने ये काम करना है कि ये वाला जो बटन है टेक्सचर वाला, इसको दबा के, और मेरे पास कुछ टेक्सचर हैं, ये टेक्सचर भी मैं आपको नीचे जो लिंक है टेलीग्राम का वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये वाला टेक्सचर आप लोगों मैं लगा रहा हूँ, आप लोग ये लगा दीजिएगा। और उसके बाद ये बैकग्राउंड भी सेट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, ये जो बटन आपको नीचे नज़र आ रहा है इसको दबा के फ्राम गैलरी में जा के, और टेलीग्राम में जा के ऊपर आके वही टेक्सचर जो हमने उसके ऊपर लगाया था ये बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। इसके बाद अब हमने करना क्या है, इसी टेक्सचर को हम यहाँ पे 3D कर देंगे और इसको 8 कर देंगे, और नीचे जो डेप्थ है इसको बढ़ा के हम 75 भी कर सकते हैं, 65 आप जितना दिल करे, मैं इसको 75-75 कर देता हूँ इस तरह। उसके बाद ये शेडो वाला बटन है, शेडो को ऑन कर दें। और उसके बाद यहाँ पे इम्बोज वाला बटन है, इसको दबा के ऑन कर दें, और नीचे से आपको जो इम्बोज वाला बटन है इसको आस्ते आस्ते काम कर लें, बिल्कुल एक पे कर लें। तो अभी एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब इसकी मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग हम कर लेते हैं। ये जो शेडो है पड़ा, इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे कर लेंगे 21 पे, और इसको भी -14 पे। तो ये आपकी वीडियो तैयार हो चुकी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।